अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे गुलगुले। इसके लिए गुड़, गेहूं का आटा, रवा, नमक, बड़ी सौंफ, जायफल, मीठा सोडा और इलायची, ये 1.25 किलो गुड़ है। अब इसे पानी में भीगने रखने का, 1-2 तास के लिए भीगने रखने का। पानी डालकर गुड़ को अब गुड़ को अच्छी तरह से पानी में घोल को लेने का। और इसे छान को लेने का, गुड़ के पानी को इस तरह से छान को लेने से इसे इसमें खर नहीं खर रहती है। आधा चम्मच नमक डालने का, आधा चम्मच खाने का सोडा डालने का और 1/4 किलो रवा आयु रवा डालने का। तुम इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। एक गेहूं का आटा 2 किलो है और इसमें मैं 1.25 किलो गुड़ डालूँ और 1/4 किलो रवा डालूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर भून के लेने का। इस तरह से गूंदने से आटों की गुठलियाँ नहीं बनते। मैं रात को गून को रख लूँ और सुबह बनाने का। ये बड़ी शॉप है, इसे भून को लेने का। जायफल है और इलायची है, इसकी पाउडर बना को लेने का। और बड़ी शॉप की भी पाउडर बना को लेने का। ये आटा भीगे हुए अभी और पूरा अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर को लेने का। इसमें 2 बड़े चम्मच बड़ी शॉप की पाउडर डालने का। और 1.5 चम्मच इलायची और जायफल पाउडर डालने का। और इसे आटे को अच्छी तरह से पूरे गून को लेने का। जास पतला नहीं, जास गाढ़ा नहीं, इस तरह से इस आटे को गून को लेने का। और कड़े हुए तेल डालने का। तेल डालने से गुलगुले जालीदार बनते हैं। कढ़ाई अभी तेल गर्म है, एकदम फास्ट गैस करने का गुलगुले तलने वक्त। थोड़ी देर के बाद धीमी आंच पर तल को लेने का। ऐसा तलने से
अंदर तक गुलगुले पकते हैं। इस तरह से तल को निकालने का गुलगुलों को। जरूर बना को देखो। कितने जालीदार बने गुलगुले। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।